डिंडोरी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सहायक आयुक्त विभाग में हुए घोटाले की शिकायत लोकायुक्त और अन्य विभागों से की। शिकायत में जिला अध्यक्ष ने बताया कि सहायक आयुक्त विभाग ने कई निर्माण कार्यों के नाम पर घोटाला किया है, जिसकी शिकायत बार बार करने के बाद भी मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डिंडोरी में सहायक आयुक्त विभाग द्वारा हॉस्टलों में मरम्मत के कार्य और अन्य निर्माण कार्यों में जमकर घोटाला किया जा रहा है। इस घोटाले की शिकायत कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने लोकायुक्त विभाग एवं आर्थिक अधिवेशन ब्यूरो से की। जिला अध्यक्ष ने बताया कि सहायक आयुक्त विभाग द्वारा स्मार्ट क्लासेस बनाने और निर्माण कार्य और हॉस्टल के मेंटेनेंस सहित कई अन्य कार्यों के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित विभागों में की गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ आर्थिक अधिवेशन ब्यूरो द्वारा ही शिकायत पर जवाब दिया गया है, अन्य कोई विभाग द्वारा शिकायत पर कोई भी सूचना नहीं मिली। आदिवासी विभाग सहायक आयुक्त के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया गया। भ्रष्टाचार के मामले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सामने आए और हमने भी जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जिला कलेक्टर को, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को, लोकायुक्त को, पुलिस अधीक्षक को और भी जो जांच एजेंसियां हैं, हम लोग ने उनको अवगत कराया कि डिंडोरी जिले में जो आदिवासी विभाग सहायक आयुक्त के द्वारा यहाँ पर स्मार्ट क्लास के नाम पर घोटाला किया गया है, यहाँ पर निर्माण के नाम पर, यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर, स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले गणवेश के नाम पर इसकी हमने शिकायत किया था और लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।